भगवान गणेश को मनाया जाता है। एक बार जितनी भी संगत विराजमान है दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे गणेश जी महाराज की, ऐसे नहीं आवाज आनी चाहिए, बस सच्चे दरबार आप लोग इधर से ऐसे जाओ उधर तिलक वंदन करते अपने घर पे अपने स्थान पे बैठना। भैया रुक जाओ एक मिनट महाराज, एक मिनट रुक जाओ, हमारे बैठने का कोई फायदा नहीं है फिर से, एक मिनट रुक जाओ। हाँ रहेगा तिलक लगाओ यहाँ पे जोत पे दिखा प्रकाश भैया गुरुदेव हमको ही मांगने का सागा मापा मागा सानी हमको ही मांगने सलीका नहीं वरना तेरे दरबार में कोई कमी नहीं। अब ये भी कहा कि तुझ पे संकट पड़े जो कोई तो दुखी काहे को होए और ऐसी करनी कर चल तू हसे जगिरो चरा दिल के जला बहुत अंधेरा है क्योंकि कहा है कि चराग बुझना जाए इन्हें आंधियों से बचा ले। नितिन भैया एक मिनट देखिए ऐसे भीड़ नहीं लगाए क्योंकि हम चार से पांच का जग में कोई ना हो गणेश जी महाराज उसे अपने गले से तो जो सच्चे मन से बैठे हैं आज बाबा के दरबार में दोनों हाथ ऊपर करो। जो सच्चे मन से बैठे हैं जो बाके में ही बाबा का कीर्तन करवाने आए हैं करने आए हैं दोनों हाथ ऊपर करो और जिनके पास अपने हाथों वो ही हाथ ऊपर करें और जो किराए पर लेके आए हैं वो हाथ नीचे रखना एकदम सीधे हाथ और ताली बजा के कह दिया 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 एक सेकेंड अरुण भैया एक माइक इधर दे दें एक माइक इधर दे दें और बीच में से एक रास्ता बना ले आधे भक्त इधर और आधे इधर आधे भक्त इधर और आधे इधर और बच्चे कुचे बाबा के पीछे और मीठी मीठी तालियों के साथ ऐसे नहीं। जितने भक्त पीछे खड़े हुए हैं मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग बैठ जाएं क्योंकि कहते हैं कि खड़े होकर खेल तमाशे देखे जाते हैं बाबा का कीर्तन है और कीर्तन हमारे सनातन धर्म में हमेशा आसन लगाकर किया जाता है। सभी लोग
यहाँ जिसको जैसा स्थान मिले वहां बैठे और जितनी संगत विराजमान है वो दोनों हाथ ऊपर करें। ये सजा नहीं, ये हाथ ऊपर करना सजा नहीं, ये बाबा की सेवा है। पीछे वालों दोनों हाथ ऊपर और ताली बजा के जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, अरे तेरी सेवा जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। श्याम के दरबार में बाबा के चरणों में बाबा के बच्चों की अरदास, बाबा के संतों की अरदास। मैं किसी का नाम नहीं जानता लेकिन बाबा सबके नाम जानते हैं और यही कहते हैं, बहुत ही दूर से आया हूँ मैं, बहुत ही दूर से छोटे से बच्चे की अरदास, बाबा के संत की अरदास। और ये क्या कह रहा है बाबा से, अरे मैंने तेरा नाम लिया है, मैंने तेरा नाम लिया है, अपने दिल को झलक रहे हैं, और के चरणों में ये तड़प रहे हैं, चरणों में आप तड़प रहे हैं, इनको छू कर पावन कर दो, इनको छू के पावन कर दो, और मुझको बिना सदा सुहागन कर दो, क्योंकि कहते हैं कि जब ये वाली लाइन आती है कि मुझको भी दाता सदा सुहागन कर दो, तो माताएं बहनें तो सब बोलती हैं लेकिन हमारे भाई बंधु बोलना बंद कर देते हैं इस लाइन को। क्या कोई बता सकते हैं, यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, क्या कोई बता सकते हैं क्या मर्द का सुहाग क्या होता है? किसी को पता है कि हम पुरुषों का सुहाग क्या है? अगर किसी को पता हो तो ऐसे हाथ ऊपर करके बताओ। पता है किसी को? नहीं पता, आज मैं बता के जाऊंगा कि मर्दों का सुहाग क्या होता है। मर्दों का सुहाग होता है उनका व्यापार, उनकी नौकरी,
वरना 3 साल पीछे चले जाओ तो लॉकडाउन लगा था। जैसे एक बिडो पागल हो जाती है ऐसे पागल हुए थे सब लोग जब लॉकडाउन लगा था। इसीलिए मर्दों को भी बोलना है दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ ऊपर और यही कहो बाबा के दरबार में, अरे मुझको भी डाटा सदा सुहागन कर दो, मुझको भी डाटा सदा सुहागन कर दो। दुनिया तारे मार रही है और पांच कह के बुखार नहीं है, पांच कह के बुखार नहीं है। ओ माता जा की पार्वती, माता जा की पार्वती, पिता महादेव। आधे भक्त तो बोल रहे हैं, आगे वाले भक्त तो सारे बोल रहे हैं लेकिन पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। गलत बात है। अगर कीर्तन में आए हो, एक होता है कीर्तन, विशाल भैया, एक होता है कीर्तन, कीर्तन होता है जो मैं अकेला करूं, और एक होता है संकीर्तन, संकीर्तन में आप सबको भी बोलना पड़ेगा। जय गणेश जय महादेवा। अगर अभी लड़ाई है गई होती ना, अगर अभी जब मोहल्ला में लड़ाई है गई होती तो आवाज कहां तक जाती पता है? ए धनीपुर मंडी तक। क्योंकि माता और बहनों के दो फंक्शन ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा आवाज निकलती है। एक तो कहीं ये पता पड़ जाए कि परात बटेंगी आज, तो गानो आए चाहे ना आए चिल्लाएंगी जरूर, पर एक लड़ाई है जाए सबसे ज्यादा आवाज निकले, आज वही काम दिखाना है। जय गणेश जय महादेवा। हाँ अब आई ना बात, और यही कहेंगे ओ नमः नमः, ओ नमः नमः, ओ नमः नमः, दुनिया में मजे कर ले वहाँ पर नर्क में जाता है, दुनिया में मजे कर ले वहाँ पे नर्क में जाता है। ओ माता जा की पार्वती, माता जा की पार्वती, पिता महादेवा। एक बार और दोनों हाथ ऊपर, एक बार और। कुर्सी बालो, कुर्सी किसी की सगी नहीं है, सही बता रहा हूँ, कुर्सी किसी की सगी नहीं है। अगर आज की रात जमीन पर बैठोगे, क्योंकि कहते हैं कुर्सी किसी की सगी नहीं है। हाँ कुर्सी के चक्कर में तो हमें राहुल गांधी पागल है। अच्छा अच्छा, अगर कोई असहाय है तो कुर्सी पर बैठे, वरना कीर्तन जमीन पर बैठ कर ही सुना जाता है। जितनी भी संगत विराजमान है दोनों हाथ ऊपर करो। विशाल भी तेरी दीवानी, तो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तो तेरी दीवानी।
काटू।